नमस्कार, साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो स्थान भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी का है, वही स्थान दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब को है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता, अफ्रीकन गांधी से मशहूर, अफ्रीकन गांधी के नाम से मशहूर, उनके बारे में आज हम लोग कुछ देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को एमवेजो केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को जोहानसबर्ग ह्यूटन नामक जगह साउथ अफ्रीका में हुआ। करीब करीब 95 वर्षों का जीवन काल इन्होंने जिया है, जिसमें इन्होंने काफी संघर्ष किया है। दक्षिण अफ्रीका में 1990 से पहले अगर बात करते हैं तो वाइट माइनॉरिटी रूल का शासन था, जहां पर काफी बंदिशें थी जो ब्लैक पीपल थे, अपार्थाइड सिस्टम, जिसको हिंदी में रंग भेद कहते हैं, रंग के नाम पर, रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, प्लेग्राउंड हो, बीच हो, सिनेमा हॉल हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हर जगह भेदभाव की स्थिति थी। उस स्थिति में नेल्सन मंडेला जी ने अपने कुछ साथियों के साथ इसका बहिष्कार किया, इसका विरोध किया, जिसके वजह से उन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा और करीब करीब अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोबेन आइलैंड नामक जगह पर करीब करीब 27 ईयर्स इन्होंने अपना जीवन जेल में गुजार दिया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, ये अपने विश्वास पर, अपने विचार पर अटल रहे। और एक दिन ऐसा भी आया इनके जीवन में जब इन्हें रिहा किया गया और पूरे सम्मान के साथ पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनाए गए। और 1994 से लेकर 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बनाए गए अश्वेत। इनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने नेल्सन मंडेला जी को सम्मानित करते हुए सन 2009 में 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। और उसी साल से प्रति वर्ष जो है 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने सन 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1993 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2008 में भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका जो लंबा संघर्ष रहा सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, उनसे सीखते हुए, उनसे शिक्षा लेते हुए नेल्सन मंडेला जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। और कहीं ना कहीं इनका मानना था कि दृढ़ता, आत्मविश्वास और जिद के सहारे आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला जी काफी आदरणीय हैं और हमारे जीवन में बहुत कुछ हम उनसे लेसन ले सकते हैं। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है या आज का जो जनरेशन है, उसमें कामयाब होने की बड़ी जल्दी है, लेकिन कामयाबी को हासिल करने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, इस बात की शिक्षा हम लोगों को नेल्सन मंडेला से मिलती है, जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और रिहा होने के बाद भी जो वाइट माइनॉरिटी रूल थी, उसके साथ भी वो सहानुभूति के साथ ही पेश आए और जो नई सरकार बनी
जो नया गणतंत्र बना उसमें उनको भी स्थान दिया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टॉलरेंस देखा गया नेल्सन मंडेला के अंदर। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने जीवन में उनकी दी गई शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।